मैं यूरिया टेस्ट लगाऊंगी। सबसे पहले मैं मशीन में सेट कर लूंगी यूरिया। यहाँ से डिस्टिल वाटर स्प्रेड करूंगी। यहाँ स्प्रेड स्टैंडर, तो मैं स्टैंडर स्प्रेड कराऊंगी। ये यूरिया का रिएजेंट है। एक डिब्बे में 5 सीसी होती है और 1 सीसी में 20 ml रिएजेंट होता है, जिससे हम 500 माइक्रोलीटर में लगाएंगे। ये 500 माइक्रो पे मैंने सेट कर लिया है पीपेट। मैं रिएजेंट लूँगी 500 माइक्रो। ये मेरे पास 2 ट्यूब है, एक में स्टैंडर्ड लगाऊंगी और दूसरे में टेस्ट लगाऊंगी। ये 500 माइक्रो मैंने रिएजेंट ले लिया है फर्स्ट ट्यूब में, और सेकेंड ट्यूब में भी मैं 500 माइक्रो रिएजेंट लूँगी। तो ये दोनों ट्यूब में मैंने रिएजेंट ले लिया है। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड लगाऊंगी 10 माइक्रो। 10 माइक्रो मैं स्टैंडर्ड लूंगी, ये स्टैंडर्ड है। टेन माइक्रो मैंने स्टैंडर्ड ले लिया है। अब मैं रिएजेंट में मिक्स करूंगी और स्प्रेड कर दूंगी। तो ये स्प्रेड कर दिया है मैंने, ट्यूब को रिमूव कर लूंगी। एक मिनट में रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 मिनट वेट करते हैं रिजल्ट आने तक। नाइट्रोजन हमारे शरीर में यूरिया से बनता है और यूरिया प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने के बाद बनता है। यूरिया बनने के बाद यह किडनी में रिलीज हो जाता है। यूरिया टेस्ट एक किडनी फंक्शन टेस्ट का हिस्सा है, जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट में किया जाता है। इस टेस्ट से पेशेंट की किडनी सही से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए यूरिया टेस्ट किया जाता है। यूरिया बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालता है। यूरिया हमारे लीवर के अंदर बनता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन हमारे लीवर में डाइजेस्ट होता है, उस डाइजेशन के अंदर प्रोटीन बनता है। ब्लड यूरिया से पता चलता है आपका किडनी कितना सही काम कर रहा है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन KFT किडनी फंक्शन टेस्ट और RFT रीनल फंक्शन टेस्ट दोनों ही एक ही टेस्ट होते हैं। इसे स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया है, तो अब हम टेस्ट लगाएंगे। ये सैंपल 10 माइक्रो में सैंपल लूँगी। और यूरिया के रिएजेंट में मिक्स करूँगी और सैंपल स्प्रेड कर दूंगे। ट्यूब को हटा लेंगे, 1 मिनट वेट करते हैं रिजल्ट आने तक। तो यूरिया का रिजल्ट आ गया है 23.7। तो यह नॉर्मल है। यूरिया का नॉर्मल वैल्यू 13 से 45 mg/dL होता है।